नमस्ते, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत हो। गर्मियों के दिन बहुत चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मी के मौसम में हमें कुछ ठंडा ठंडा खाने के लिए बहुत दिल होता है, बच्चों को भी चाहिए ठंडा ठंडा। इसीलिए आज मैंने फलों से वाटरमेलन बार और मैंगो बार और प्लस रेमबो, क्या क्या सामग्री की जरूरत है आइए हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप मैंगो के पीसेस कर लिए हैं, मैंगो को धो के छील के अच्छा से पीसेस कर लिए हैं। इसी तरह से वाटरमेलन के भी, वाटरमेलन को अच्छी तरह से धो लिया है, धो करके उसे पीसेस करके ये रखा हुआ है। और इसके लिए हमें चाहिए चीनी चाहिए और नींबू का रस चाहिए और काला नमक चाहिए, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी चाहिए और हमें आइसक्रीम स्टिक चाहिए और आइसक्रीम मोल्ड चाहिए। ये हमारा 1 कप पल्प है। एक कप पल्प डाल करके और इसमें हमने चीनी डाल ली है। चीनी भी आप शक्कर में ही आप आम के अनुसार डालिए, आम आपके ज्यादा मीठे हैं तो ज्यादा चीनी नहीं लगेगी, कम मीठे हैं तो ज्यादा लगेगी। आप अपना ज्यादा मीठा खाते हैं ज्यादा लीजिए, है ना। मैंने ये 2 टीस्पून चीनी डाल दी है और मैंने डाला है काला नमक काला नमक बहुत थोड़ा सा टेस्ट के लिए डालना है, 2 पिंच। अब हमने डालना है नींबू का रस, ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि आम मीठे हैं, उसमें खटास थोड़ी सी बार में आने से टेस्टी लगती है। ये देखिए मैंने डाल दिया है नींबू का रस। चलिए अब मैं इसे ग्राइंड करके लेके आती हूँ। 1 कप वाटरमेलन थे, आप स्वाद अनुसार शक्कर डाल सकते हो, मीठी कम मीठा जो खाते हैं कम डाल लीजिए, लेकिन क्या है बार में थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है और ठंडा होने के बाद में मीठा कम लगता है। ये देखिए मैंने 3 टीस्पून, क्योंकि वाटरमेलन उतना मीठा नहीं होता आम के जितना, 3 टीस्पून डाल दिए। इसमें थोड़ा नमक ज्यादा लगेगा, ये काला नमक मैंने लिया है 1/4 टीस्पून है। और इसमें नींबू का रस है 1 टीस्पून, ये 2 टीस्पून। नींबू के रस से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। चलिए अब मैं पीस के प्यूरी बना के लेके आती हूँ। मैंने वाटरमेलन की प्यूरी बना ली है, अब हम इसे अच्छी तरह से छानेंगे क्योंकि इसमें क्या है कि कभी कभी बीजे भी रह जाते हैं, इसलिए इसे पूरी तरह से अच्छी तरह से छान लेना है। देखिए मैंने वाटरमेलन और मैंगो के जूस तैयार कर लिए हैं, आइसक्रीम मोल्ड ले लिए हैं। मोल्ड आपके पास नहीं है तो आप गिलास में भी जमा सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आपको आइसक्रीम मोल्ड ही चाहिए। और चाय वाले गिलास जो डिस्पोजल आते हैं उसमें आप जमा सकते हैं। आराम से मोड़, बीच में टूटी फ्रूटी डाल दीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आती है। आप मोल्ड में भरने के पहले टेस्ट कर लीजिए, टेस्ट करके देखिए और तब फिर मोल्ड में भरिए। बच्चों के अनुसार मीठा टेस्ट अच्छा होना चाहिए क्योंकि बच्चों को पसंद आना चाहिए ना भाई। दूसरे मोल्ड में भरेंगे।
मिक्सी अच्छी तरह से ढक के और ये हमने आइसक्रीम स्टिक इसमें डाल देनी है। सभी में इसी तरह से चलिए अब हम 12 घंटे के बाद में मिलते हैं। 12 घंटे के 10 घंटे के बाद रात भर मैंने इसे फ्रीजर में जमाया, जमा के अब देखिए मेरी जम चुकी है बहुत बढ़िया से। ये देखिए वाटरमेलन मैंगो सब जम चुकी है। अब हम इसे निकालेंगे, निकाल देखिए यहाँ ये पानी लेना है, पानी लेके धीरे से इसे ये देखिए कितनी बढ़िया तैयार हुई है बनके। इसी तरह से अब हम वाटरमेलन वाली ये देखिए ये वाटरमेलन की है थोड़ा सा और ये देखिए कलरफुल रेम्बो बहुत बढ़िया लग रही है। इसी तरह से हमने सारी निकाल लेनी है और फिर हम प्लेटिंग करते हैं। देखिए मेरी मैंगो और वाटरमेलन बार बनके बिल्कुल रेडी हो गई है, मैंने प्लेटिंग कर दिया है इसे। अब आप खाइए और टेस्ट बताइए कि बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा है मुझे तो, मेरे को तो देख के मुंह में पानी आ रहा है। आप बच्चों को खिलाइए। इसमें क्या ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप से मैंने बनाई है, नहीं तो क्या है कि नमक और जो मैंने नींबू डाला है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता, अलग हट के आता। काला नमक मैंने डाला है और नींबू का जूस डाला है, इसके कारण क्या है सादी या सिंपल सिंपल नहीं लगती है, नहीं तो सिंपल जो जूस से बनाते हैं उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। आप खाइए और बताइए मुझे कि कैसी बनी है, कमेंट्स करिए और शेयर करना लाइक करना ना भूलिए। और चलिए फिर मैं कल आती हूँ नई रेसिपी के साथ में। बाय बाय।